मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MSc का चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 का नाम है एसेंशियल कैरेक्टर ट्रेट्स। और कैरेक्टर का मतलब होता है किरदार, तो एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरत का किरदार, और ट्रेट्स का मतलब होता है हर जगह जहाँ भी ज़रूरत हो, चाहे अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए। सो वर्ड्स ऑफ विजडम इज गिवन, द वे ऑफ गेन अ गुड रेपुटेशन इज टू एंडेवर टू बी वॉट यू डिज़ायर टू अपीयर। द वे टू गेन यानी किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऐसे तरीके से काम करें जिससे हमारी रेपुटेशन भी अच्छी बनी रहे, इज टू एंडेवर टू बी वॉट यू डिज़ायर टू अपीयर। और रेपुटेशन बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि रेपुटेशन आपके किस तरीके से लोगों के सामने बन रही है, आप किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग लेसन 7। कैरेक्टर इज़ एन एवोल्यूशन ऑफ ए पर्सन्स मोरल क्वालिटीज़, इट रेफर्स टू द क्वालिटीज़ दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अदर। अब इसमें कैरेक्टर इज़ एन एवोल्यूशन यानी हमारा जो कैरेक्टर होता है, हमारा जो किरदार होता है, वो एक तरह से एवेल्यूशन होता है, हमारे अच्छाई या बुराई को दर्शाता है, और इसीलिए ही उसे हमारी मोरल क्वालिटीज़ में गिनती होती है। इट रेफर्स टू द क्वालिटीज़ दैट डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अदर। अब इससे ये पता चलता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से कितना अलग है। अरुण गॉट आउट ऑफ द स्कूल बस इन फ्रंट ऑफ ए स्कूल। अब अरुण एक लड़का है जो कि अपनी स्कूल बस से निकलता है, और वो निकलता कहाँ है, स्कूल के बिल्कुल सामने। एज ही वॉक टूवर्ड्स हिज क्लास ही सॉ मार्टिन स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर एंड क्राइंग। जैसे वो अपनी क्लास की तरफ घूमता है तो वो देखता है कि एक दूसरा लड़का जिसका नाम मार्टिन है, वो वहाँ पर कॉर्नर में खड़े होकर रोता रहता है। अरुण वेंट टू हिम एंड आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड। अब अरुण उसके पास गया और उसने उससे जाकर पूछा कि उसको क्या हुआ है। मार्टिन हैड गॉट वेरी लो मार्क्स इन अ टेस्ट। मार्टिन ने बताया कि उसको टेस्ट में बहुत ही कम नंबर मिले। रोहन हैड मेड फन ऑफ हिम इन द क्लास एंड कॉल्ड हिम अ फूल। और इसी वजह से उसके नंबर कम थे, इसीलिए क्लास का दूसरा बच्चा रोहन जो है उसने उसका मजाक उड़ाया और उसने उसे फूल कहा, इसलिए वो रो रहा था। अरुण कंसोल्ड हिम एंड सेड दैट ही वुड हेल्प मार्टिन स्टडी बेटर। अब अरुण ने उसको मना लिया और उसे समझा बुझा के बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करूँगा जिससे तुम अच्छे पढ़ पाओगे। इन द नेक्स्ट टेस्ट मार्टिन स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। अब अगली टेस्ट जब हुई तो मार्टिन को बहुत अच्छे मार्क्स आए। द टीचर प्रेस्ड मार्टिन फॉर हिज एक्सेलेंट रिजल्ट एंड हार्डवर्क। टीचर ने सभी के सामने मार्टिन की बहुत तारीफ की कि उसने इस बार के मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर किए। मार्टिन इन टर्न थैंक्ड अरुण फॉर ऑल द सिंसियर एफर्ट्स ही हैड टेकन टू हेल्प हिम स्कोर वेल इन द टेस्ट। अब अरुण ने मार्टिन ने इसका पूरा श्रेय जो है अरुण को दिया। अरुण को कहा कि यह सब उसकी मेहनत के बदौलत, उसने उसकी बहुत ईमानदारी से और बहुत सच्चाई के साथ मार्टिन की मदद करी थी, जिसकी वजह से मार्टिन जो है वो टेस्ट में अच्छे स्कोर कर पाया। इट वॉज ओनली द बिगनिंग ऑफ मार्टिन। मैनी ईयर्स लेटर ही बिकेम ए रेनाउंड टीचर इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज़। ये तो सिर्फ उसकी शुरुआत थी कि वो अच्छा पढ़ने लग गया था, लेकिन कुछ सालों बाद यानी काफ़ी सालों बाद जब वो बड़ा हुआ तो वो एक काफ़ी प्रसिद्ध टीचर के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो गया, और वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटी होती है उसमें एज ए टीचर वो काम करने लगा। बट ही स्टिल रिमेंड हम्बल, लेकिन वो अभी भी बहुत ही शांत स्वभाव का था, ईमानदार था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ हिज डियर फ्रेंड अरुण विद ए फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। उसने हमेशा ईमानदारी के प्रतीक मानते हुए अपने दोस्त अरुण को ऑलवेज याद किया, यानी हर पल हर दिन वो अपने दोस्त को अरुण को और अरुण की ईमानदारी को याद किया करता था।